कौमी क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के लिए उड़ान, अजहर अली, बाबर आजम, आबिद अली, असद शफीक, फहीम अशरफ टीम का हिस्सा, फवाद आलम, इफ्तिखार अहमद, इमाम उल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह, सरफराज अहमद, शाहीन आफीदी, शान मसूद भी स्क्वाड में शामिल। मुझे फख्र है कि मेरी टीम ने कोरोना बहरान में मदद की। टीम स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने वाले पहले लोगों में शामिल थी। एसओपीज पर अमल जारी रखा तो बहरान से निकल आएंगे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। कराची के इलाके क्लिफ्टन में आगा सुपरमार्केट में आग लग गई, फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ, कीमती सामान जलकर राख। गर्मी बढ़ते ही बिजली का बहरान शदीद, कराची में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग, लाहौर में भी घंटों बिजली बंद रहने लगी। मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश्क, रावलपिंडी, सरगोधा, गुजरात, गुजरांवाला, जंग, फैसलाबाद, लाहौर, कसूर, लैया और भक्कर में 24 घंटों में बारिश मुतवक्के। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड जाने की पेशगोई। हुकूमत ने पेट्रोल बम क्यों गिराया, वजह सामने आ गई, माली साल की आमदन में इजाफे के लिए पेट्रोल महंगा करना पड़ा। हुकूमत ने बजट में रवा माली साल की टैक्स आमदन 3,908 अरब रुपए बता दी। एफबीआर हदफ हासिल करने में नाकाम, मई के अख्तितम तक 3,518 अरब रुपए ही इकट्ठे हो सके। सरदार अख्तर में गुलग बनाने की हुकूमती कोशिशों को बड़ा झटका, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का वजीर आजम के इशारे में शिरकत ना करने का फैसला। और मारूफ कानूनदान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एके डोकर लाहौर में इंतकाल कर गए, मरहूम की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी।